नमस्कार, वरुण पांडे नाम है हमारा। आप देख रहे हैं एग्जॉन बेरी का संकलन खनन। आज के एपिसोड में मैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो हम सबसे रिलेट कर सकते हैं। मैं इसलिए इसको शामिल कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है ये सेम क्वेश्चन आपके भी नज़र में हो और आप इसके बारे में हो सकता है सोच रहे हो या फिर खोज रहे हो। बहुत लोगों ने ये भी बोला मुझसे कि मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पर या फिर अलग अलग चैनल्स पर या फिर वेबसाइट्स पर बहुत सारी चीज़ें खोज रहा हूँ बट वो नहीं मिल रहा है, और उनको लगभग बहुत लोगों, मुझे काफ़ी खुशी हुई, बहुत लोगों ने बोला कि अधिकतर सवालों के जवाब धीरे धीरे उनके सॉल्व हो रहे हैं मेरे चैनल के थ्रू। तो काफ़ी मैं खुश हुआ इस चीज़ को जान के कि मेरी मेहनत थोड़ी सी रंग ला रही है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, आप बेझिझक पूछिए, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, जैसे मर्जी आपको, आप वैसे पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं 100% उस पर एक वीडियो बना के आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स के जवाब और सवाल को देखेंगे और आइए देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, एक भाई का फ़ोन आया था मुझे शायद मध्य प्रदेश से। उनका ऑलरेडी एक रनिंग क्रशर प्लांट है और उनको एक ये कन्फ्यूज़न था, या फिर हो सकता है कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने उनके मन में ये कन्फ्यूज़न डाल रखा है कि अगर वो पूरा प्लांट ना लें या फिर जॉ क्रशर उनसे ना खरीदें तो उनका कोन क्रशर फिट नहीं हो सकता है। तो इस तरह की बातें उनको बताई गई हैं बहुत लोगों द्वारा। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपको अगर सिर्फ और सिर्फ कोन क्रशर लगाना है आपके ऑन गोइंग क्रशर में तो ये पॉसिबल है, इसमें आपको कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। बट इसके साथ साथ जो गौर करने की बात है, इसमें एक बहुत बड़ा गेम प्ले जो करेगा वो आपका जॉ क्रशर करेगा। अब उस पर भी उनको कंफ्यूज किया गया था कि डबल टॉगल जॉ है तो आप कोन नहीं लगा सकते हैं और सिंगल टॉगल जॉ ही आपको चाहिए होगा कोन लगाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल एक चीज़ क्लियर हो जाइए कि जो भी सेकेंडरी सेक्शन आपने लगा रखा है, कोन क्रशर अगर आपके पास है तो उसका आप फीड साइज पूछिए या फिर फीड ओपनिंग और फीड साइज दोनों आप पूछिए जो भी मैन्युफैक्चरर का आप कोन क्रशर ले रहे हैं। सपोज एक 200 टीपीएच का अगर आप कोन ले रहे हैं तो एक लमसम अगर आपको मैं बता के चलूँ तो लगभग उसमें 6 से 7 इंच तक का पत्थर फीड होता है, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो पीछे आपका जो जॉ क्रशर है, चाहे वो सिंगल टॉगल है, चाहे वो डबल टॉगल है, चाहे वो इंटरनेशनल ब्रांड ने बनाया है, चाहे वो डोमेस्टिक ब्रांड ने बनाया है, और हो सकता है चाहे आपका जो पीछे से जो पत्थर आ रहा है वो नेचुरली हो सकता है 7 इंच का या 6 इंच का या फिर उससे छोटा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किस मशीन से उस पत्थर को तोड़ा है। सेकेंडरी का फीड ओपनिंग डिपेंड करता है, फीड साइज डिपेंड करता है कि आपको सेकेंडरी आपके यहाँ लग सकती है कि नहीं लग सकती है। जनरली आपको अगर मैं मोटे तौर पे बता के चलूँ तो आपके अगर जॉ क्रशर से लगभग 6 इंच तक का पत्थर अगर आ रहा है आउटपुट में, इनपुट में नहीं, आउटपुट में अगर 6 इंच तक का पत्थर अगर आपका आ रहा है 0 से लेकर 6 इंच तक का, तो आप एक 200 TPH का कोन आराम से लगा सकते हैं अपने साइट पे। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें आपको और भी चेंज करनी पड़ सकती हैं, जैसे वाइब्रेटिंग स्क्रीन या कन्वेयर वगैरह हो सकता है चेंज करनी पड़े। तो आप जिस भी मैन्युफैक्चरर से अपना मशीन ले रहे हैं एक बार उससे पूरा डिस्कस करें, अगर उसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है या फिर आपको लगता है कि नहीं वो मैन्युफैक्चरर आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है या फिर आपको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं आप काफ़ी सारी चीज़ों से, तो आप बेझिझक मुझे फ़ोन करें। तो ये चीज़ आज क्लियर कर लीजिए कि डबल टॉगल होने से, सिंगल टॉगल होने से, इंटरनेशनल होने से या डोमेस्टिक होने से कोन क्रशर लगाने के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। कोई भी आपके पास जॉ क्रशर हो जिससे आप लगभग 6 इंच तक का पत्थर ले रहे हैं तो आप 200 TPH का कोन लगा सकते हैं। वैसे ही अगर आप छोटा कोन ले रहे हैं तो आपको छोटा फीड साइज होगा, फीड ओपनिंग उसकी छोटी होगी, तो आपको उसके आगे फिर अलग जॉ या फिर जॉ की जो सेटिंग है वो चेंज करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए आपने 150 TPH का कोन लिया तो हो सकता है उसकी फीड साइज आपको 6 इंच तक की ही हो, तो या फिर 5 इंच की भी हो, या हो सकता है 4 इंच की भी हो, तो अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग फीड साइज होते हैं। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें कोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी कि आप अपने रनिंग क्रशर में अगर आपके पास नॉर्मल
नॉर्मल क्रशर है जॉजो कॉम्बिनेशन का, तो उसमें आप अपने आप को अपग्रेड करके कोन क्रशर प्लांट लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी जानकारियाँ मैं आप तक मैं पहुँचा सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनको अगर इस चैनल के बारे में नहीं पता है तो वो भी जानकारी आपसे ले सकें इस चैनल के द्वारा। मेरा नाम वरुण पांडे है और आप देख रहे हैं एग्जॉन बेरी का संकलन खनन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।